हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रोटिस्टा किंगडम शुरू किया है, उसके जनरल कैरेक्टर्स भी पढ़े थे और इसके साथ ही साथ हमने क्राइसोफाइट्स भी पढ़ लिया था। क्राइसोफाइट्स के आगे हमारे पास आता है डाइनोफ्लैजेलेट्स। चलिए पहले मुझे आंसर करिए, अगर आपने वीडियो देखा है, कितने सारे बच्चे हैं आप? अगर आप वीडियो देखते हैं तो मुझे बताइएगा ग्रुप में आंसर करके कि जो क्राइसोफाइट्स हैं उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल स्टार्ट में बताया गया है क्राइसोफाइट्स के, कि क्राइसोफाइट्स में ये और ये आते हैं। ठीक है, आपको याद है डायटमेशियस अर्थ भी बनता है, कैसे बनता है वो भी याद करना है ना। चलिए डाइनोफ्लैजेलेट्स की बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, नाम से पता चल रहा है डाइनोफ्लैजेलेट्स का कि दो फ्लैजिला होंगे। डाइनोफ्लैजेलेट्स में कितने फ्लैजिला होंगे बच्चे? दो फ्लैजिला होंगे। तो हैबिटेट याद करिए जरा, मुझे बताइए कि क्या हैबिटेट होता था क्राइसोफाइट्स का। तो क्राइसोफाइट का हैबिटेट भी याद करना है और डाइनोफ्लैजेलेट का हैबिटेट क्या है। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। देखो प्रोटिस्टा जो हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने इन जनरल ही पढ़ा था कि प्रोटिस्टन जो है मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स जो हैं वो मरीन वाटर होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल कैसे भी हो सकते हैं, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करता है कि उनमें कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए और बी है, क्लोरोफिल ए और सी है, क्लोरोफिल ए और ई है, या सिर्फ क्लोरोफिल ई है। ठीक है, तो इन सब पिगमेंट पे डिपेंड करता हुआ है कि डाइनोफ्लैजेलेट का कलर क्या होगा। तो इसका मतलब है डाइनोफ्लैजेलेट में सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक पिगमेंट नहीं होता है। डाइनोफ्लैजेलेट्स में अलग अलग पिगमेंट्स हो सकते हैं और अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से कलर भी अलग अलग आएगा। हो सकता है किसी में क्लोरोफिल ए और बी हो, किसी में क्लोरोफिल ए और सी हो, किसी में क्लोरोफिल ए और ई हो। याद रखिएगा क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, सबके सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। चलिए, डाइनोफ्लैजेलेट में सेल वॉल भी होती है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। देख सकते हैं आप, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स हैं कि नहीं है, कहाँ पे? आउटर सरफेस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। ठीक, और ज्यादातर डाइनोफ्लैजेलेट्स पे जो है वो दो फ्लैजिला हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, तो एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनली होगा, ठीक, और एक जो है वो ट्रांसवर्सली होगा, जो कि किसके फरो के बीच में, जो सेल वॉल है सेल वॉल के फरो के बीच में ट्रांसवर्सली पड़ा होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? फरो समझते हैं ना आप? तो सेल वॉल डाइनोफ्लैजेलेट्स की किससे बनी है? सेल्युलोजिक प्लेट से बनी है। कितने फ्लैजिला हैं? दो फ्लैजिला हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। दो फ्लैजिला कैसे कैसे हुए बेटा? एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगा लंबे तरफ को और एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा। वेरी ऑफन, बहुत बार क्या होता है, ठीक है, very often red dinoflagellates, for example gonioloc, undergo such rapid multiplication that they make sea appear red। ठीक है, बहुत बार red dinoflagellate मतलब जिनका color red है, example है gonioloc, है ना, उनमें इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है कि वो अपना नंबर इतना बढ़ा देते हैं कि आपको वहाँ पे जो सी है वहाँ पे वो रेड कलर की लहरें दिखने लगती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गोनियोलॉक्स होगा।
अब चलिए वाटर ब्लूम बताइए, वाटर ब्लूम किसकी वजह से होता है? साइनोबैक्टीरिया की वजह से। और रेड टाइड्स जो होती हैं, ठीक है, रेड टाइड, कभी कभी समुद्र में लाल लहरें उठती हैं, वो लाल लहरें किसकी वजह से होंगी? वो होंगी गोनियोलॉक्स की वजह से, ठीक है। इनमें कई बार आपको बायोल्यूमिनेसेंस, डायनोफ्लैजिलेट्स में कई बार आपको बायोल्यूमिनेसेंस का प्रॉपर्टी भी देखने को मिलता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब हुआ चमकते हैं कभी कभी ये, ठीक है। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये बहुत सारे केमिकल्स को, टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे कि बहुत सारे जो मरीन एनिमल्स हैं, वहाँ समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि फिशेस, उनको मार देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं उनको, है ना। और वही टॉक्सिन अगर फिशेस के थ्रू हमें आता है तो हमें भी बीमारी हो सकती है। तो टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मेरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो इतने ज़्यादा जो डायनोफ्लैजिलेट होंगे सी में कि वो रेड टाइड्स भी बना सकते हैं, तो बहुत सारे टॉक्सिन भी रिलीज करेंगे। और जो सी में पाई जाने वाली फिशेस हैं और बाकी के मरीन एनिमल्स हैं, उनको अफेक्ट पड़ सकता है। तो ये हुआ डायनोफ्लैजिलेट्स, जो कि मोस्टली मरीन है, फोटोसिंथेटिक है, कलर कुछ भी हो सकता है। सेल्युलोजिक प्लेट्स हैं, दो फ्लैजिला हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्सली, फरो में होगा सेल प्लेट्स के। और रेड टाइड्स फॉर्म करते हैं डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट में एग्जांपल आता है गोनियोलॉक्स का। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है आपके पास? डायनोफ्लैजिलेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूग्लेनोइड्स। चलिए, प्रोटिस्टा में अब तक हमने क्या कवर किया? प्रोटिस्टा में अब तक हमने कवर किया है सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, और अब हम पढ़ रहे हैं यूग्लेनोइड्स। अभी अभी बताइए, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूग्लेनोइड्स जो हैं बेटा, ये फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। ताज़ा पानी जो बारिश से आता है वो भी फ्रेश वाटर होता है, बहता पानी भी फ्रेश वाटर होता है ना। लेकिन जो मतलब कई बार पानी इकट्ठा होता है ना, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो फ्रेश वाटर है, ठीक। तो फ्रेश वाटर मेनली जो स्टैंडिंग वाटर होगा, स्टैग्नेंट वाटर मतलब स्टैंडिंग, खड़ा हुआ पानी जो होता है ना। तो मोस्टली यूग्लेनोइड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं जो स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती है। यूग्लेनोइड प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कलेक्टिंग मतलब एक लिंक फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल यूग्लेनोइड्स में नहीं होती है, लेकिन कुछ एक जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल के बदले में दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पैलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो सेल वॉल की जगह यूग्लेनोइड्स में क्या होता है? एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पैलिकल कहते हैं, और पैलिकल यूग्लेनोइड्स की बॉडी को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना देती है। इसमें भी लाइक डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स में भी दो ही फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा। देखिए, ये यूग्लेनोइड है, इसमें एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्गर है, एज यू कैन सी, ठीक है, और एक फ्लैजिला जो है वो शॉर्टर है, ठीक। अगर इनको सनलाइट मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन अगर इनको सनलाइट नहीं मिलती है तब ये हिटेरोट्रॉप बन जाते हैं और अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं। तो प्रेडेटर की तरह काम करते हैं जब ये हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हिटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि हालांकि ये जो होते हैं यूग्लेनोइड्स, ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? फोटोसिंथेटिक होते हैं जब लाइट का प्रेजेंस होगा, मतलब लाइट की प्रेजेंस में यूग्लेनोइड्स ऑटोट्रॉप्स की तरह काम करेंगे।
लेकिन जब डिप्रिवेशन हुआ लाइट का, लाइट नहीं है, तो ये हिटीरोट्रॉप की तरह काम करेंगे, प्रिडेटर बन जाएंगे। प्रिडेटर वो होते हैं जो अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, प्रे, जो उनका छोटा ऑर्गेनिज्म हुआ जिसको वो खाएंगे, खत्म करेंगे, वो प्रे हुआ। और शिकारी को प्रिडेटर कहा, शिकार को प्रे कहा, शिकारी को प्रिडेटर कहा, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो पिगमेंट यूग्लिना में वैसे ही होते हैं जैसे हायर प्लांट्स में होते हैं। तो हायर प्लांट्स में आपको मिलता है देखने को मेनली क्लोरोफिल ए, है ना, क्लोरोफिल बी सबसे मेनली आपको यही देखने को मिलते हैं, है ना। तो क्लोरोफिल ए एंड बी, सी एच एल जो है वो क्लोरोफिल के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो यूग्लेनोइड्स में कौन से पिगमेंट्स होंगे बेटा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ही रहेंगे। एग्जाम्पल आ गया यूग्लिना, डाइनोफ्लाजिलेट में एग्जाम्पल आपने गोनियोलॉक्स पढ़ा था जैसे, है ना। तो समझ आ गया यूग्लिनोइड्स भी। बताइए यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर है या मरीन? फ्रेश वाटर है, ठीक है। चलिए लिंक फॉर्म करते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड्स जो हैं ये हिटीरोट्रॉपिक होते हैं। देखो शुरू में जो हमने दो पढ़े वो कैसे थे, ऑटोट्रॉपिक थे। क्राइसोफाइट डाइनोफ्लाजिलेट कैसे थे, ऑटोट्रॉपिक थे। फिर आया यूग्लिनोइड्स जो कि ऑटोट्रॉपिक भी है, हिटीरोट्रॉपिक भी है। लेकिन स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स जो होंगे आगे वो दोनों ही हिटीरोट्रॉपिक होंगे, ठीक है। स्लाइम मोल्ड जो है वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। आप जानते हैं ना सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कैसे होते हैं, ऐसे जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, ठीक। तो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ओके। अब क्या करते हैं वो, ठीक, जो दे द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो क्योंकि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, तो जो पेड़ों पे जैसे जैसे जो क्या होती हैं डिके, खत्म हो चुकी है ना, जो सड़ने लगती, खराब होने लगती हैं, ठीक है, पेड़ नीचे पड़ी होती हैं टहनियाँ या फिर कहीं भी, है ना, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, छोटी छोटी टहनियाँ और उनपे पत्ते होंगे जो कि अब हरे नहीं रहे हैं, डिके हो रहे हैं, है ना, खत्म हो रहे हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या किस पे मूव करते हैं, क्या एनगल्फ करते हैं, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स से उनका ऑर्गेनिक मटेरियल खा लेते हैं, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ध्यान से सुनिए बेटा, प्लास्मोडियम एक आप ऑर्गेनिज्म भी पढ़ते हैं जो कि प्रोटोजोन के अंडर आएगा, लेकिन ये प्लास्मोडियम वैसा प्लास्मोडियम नहीं है। ये प्लास्मोडियम सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये प्लास्मोडियम क्या है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। अब मैम कैसा स्ट्रक्चर है आप हमें समझाएंगे, कि मतलब जैसे ये छोटी छोटी सेल्स, छोटी छोटी सेल्स जो हैं आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी न्यूक्लियाई जो हैं वो क्या करेंगी, मतलब बहुत सारी सेल्स जो हैं वो फ्यूज हो गई तो उन्होंने बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको कहा गया प्लाज्मोडियम। और ये बहुत ग्रो कर सकता है, फेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है, कई फीट तक ये प्लाज्मोडियम ग्रो कर सकता है। तो सुटेबल कंडीशंस के अंडर स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठा होते हैं और प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कि कई फीट तक बड़ा हो सकता है। फेवरेबल कंडीशंस खत्म हो गई, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस अगर आती हैं, ठीक, द प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, ठीक है। अब फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे तो सारी स्लाइम मोल्ड्स ने इकट्ठा होके प्लास्मोडियम बना दिया, लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं रही, कैसी हो गई, अनफेवरेबल हो गई, जो कंडीशंस हैं मतलब उनके फेवर में नहीं रही, तो प्लास्मोडियम जो बना था अब वो स्पोर्स बनाएगा। तो स्लाइम मोल्ड्स में फ्रूटिंग बॉडीज कब बनती हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं।
किससे बनती हैं? प्लास्मोडियम से बनती हैं। क्या फ्रूटिंग बॉडीज हैं? स्लाइम मोल्ड्स हैं, है ना, सॉरी स्पोर्स हैं। तो स्पोर्स में जो होंगे वो आपको ट्रू वॉल्स देखने को मिलती हैं। द स्पोर प्रोसेस ट्रू वॉल्स। ट्रू वॉल्स का मतलब है कि जैसे आपको किसी भी स्पोर में एक सेल वॉल देखने को मिलता है, जैसे वो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का बना होता है, वैसे ही स्लाइम मोल्ड में हमको ट्रू वॉल्स देखने को मिलती हैं, जो कि रिजेंबल मोस्टली फंजाई की तरह करती हैं। ठीक, स्लाइम मोल्ड्स में फंगस लाइक कैरेक्टर्स कहे जाते हैं। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। तो स्पोर्स में जो है वो वॉल है, ट्रू वॉल है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और कठिन से कठिन कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। स्पोर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे थ्रू एयर करंट्स। याद रखिएगा, स्पोर्स जो है स्लाइम मोल्ड में, उनका डिस्पर्सल एयर करंट्स के थ्रू होता है। स्लाइम मोल्ड्स को फंजाई और एनिमेलिया के बीच में लिंक कहा जाता है। ठीक, अब हमारे पास प्रोटिस्टा का सबसे लास्ट जो ग्रुप है वो आता है, और वो है प्रोटोजोन्स का। ठीक है, प्रोटोजोन्स जो हैं वो चार टाइप के हैं। ठीक, द ऑल द प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। देखिए, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि क्राइसोफाइट ऑटोट्रॉपिक है, डायनोफ्लाजलेट ऑटोट्रॉपिक है, यूग्लेनॉइड्स ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक है, स्लाइम मोल्ड्स हेटेरोट्रॉपिक है और प्रोटोजोन्स भी हेटेरोट्रॉपिक हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और वो एज अ प्रीडेटर रहते हैं और पैरासाइट की तरह रहेंगे तो बीमारी काउज करेंगे। प्रीडेटर मतलब एक शिकारी की तरह जो अपना शिकार खा ले। ठीक है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इनको कहा जाता है एनिमल्स के बहुत पुराने, बहुत मतलब साधारण से और बहुत पुराने जो रिलेटिव्स हैं, शुरू में जब एनिमल बनना शुरू हुए तो इन्हीं से बनना शुरू हुए, तो प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल प्रोटोजोन्स हैं। तो प्रोटोजोन के मोस्टली कैरेक्टर एनिमल्स की तरह होते हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड के फंजाई और एनिमल्स की तरह होते हैं, यूग्लेनॉइड के प्लांट एंड एनिमल्स की तरह होते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो चार मेजर ग्रुप में, देयर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। कितने मेजर ग्रुप्स हैं बेटा प्रोटोजोन्स के? चार मेजर ग्रुप आते हैं प्रोटोजोन्स के। कौन कौन से हैं? पहला आ गया अमीबोइड प्रोटोजोन। अमीबोइड प्रोटोजोन जो है, देखिए अब ये प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये एक्वेटिक भी होते हैं, ये कहाँ, टेरेस्ट्रियल सरफेस पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन टेरेस्ट्रियल में मेनली मॉइस्ट सोइल में। ठीक, तो अमीबोइड प्रोटोजोन का हम देखते हैं तो ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मतलब सी वाटर में भी होते हैं, आप मॉइस्ट सोइल में भी देखने को मिलेंगे। ठीक, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीड एज इन अमीबा। तो अमीबा एक प्रोटोजोनल प्रोटिस्ट है, मतलब अमीबोइड प्रोटोजोन है। ये जो प्रोटोजोन होते हैं, अमीबोइड प्रोटोजोन होते हैं, ये इस तरह से क्या करते हैं, अपना फीट जो है उसको मूव करते हैं और अपने जो भी इनका प्रे होता है, जिसको इनको खाना होता है, उसको ये खा लेते हैं। जैसे कि अमीबा में ये है स्यूडोपोड फॉल्स फीट। ठीक है, अगर यहाँ पे फूड होगा तो ये फॉल्स फीट जो है वो मूव करेगा और फूड को एंगल्फ कर लेगा। ठीक है, ये जो प्रोटोजोन, जो अमीबोइड प्रोटोजोन की मरीन फॉर्म्स है, सी वाटर में रहने वाली फॉर्म्स हैं, उनमें सिलिका शेल्स पाई जाएंगी उनके सरफेस पे। ठीक है, समझ गए ना। और कहाँ पढ़ा आपने सिलिका शेल्स? क्राइसोफाइट्स में, जिससे डायटमीशियस अर्थ बनता था। और अमीबोइड प्रोटोजोन की मरीन फॉर्म में भी सिलिका सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। एक तो अमीबा आपने एग्जांपल पढ़ा अमीबोइड प्रोटोजोन का, एक एग्जांपल आता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, पूरा नाम है। ठीक है, लेकिन सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। तो इनमें से कुछ क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि एंटामीबा। ह्यूमंस में, इंटेस्टाइन में एंटामीबा जो है वो पाया जाएगा। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो अमीबिक डाइसेंट्री काउज करता है। एंटामीबा क्या काउज करता है बेटा? अमीबिक डाइसेंट्री काउज करता है।
उसके बाद दूसरे भी प्रोटोजोन में आ गए, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जैसा कि नाम बता रहा है कि इन प्रोटोजोन्स के पास फ्लैजिला होंगे, ठीक है। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आपने अमीबोइड प्रोटोजोन्स जो था वो उसमें भी क्या पढ़ा, मोस्टली ये अपना प्रे, मतलब ये मोस्टली प्रेडेटर की तरह काम करते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और वो भी पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन भी फ्री लिविंग भी होंगे, मतलब बिना होस्ट के भी रह सकते हैं, पैरासिटिक भी होंगे मतलब होस्ट पे भी रह सकते हैं। फ्लैजिलेटेड हैं तो फ्लैजिला जरूर होंगे, दे हैव फ्लैजिला, ठीक है। और जो इनकी फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स होंगी, ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म होंगी, एक तो फ्री लिविंग फॉर्म है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, और पैरासिटिक फॉर्म काउज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो हैं वो क्या काउज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस काउज करते हैं, ट्रिपैनोसोमा एग्जाम्पल है और ट्रिपैनोसोमा ही स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है, याद रखिएगा ट्रिपैनोसोमा ही स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है। तो स्लीपिंग सिकनेस को काउज करने के लिए एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन, एज द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग इनमें सीलिया प्रेजेंट होंगे। अब ये भी ये एक्वेटिक है, पानी में ही होंगे, ठीक, और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा मूव करते हैं क्योंकि दे हैव द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, हजारों की संख्या में सीलिएटेड प्रोटोजोन के पास सीलिया होंगे और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा मूव कर सकते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। तो इनके पास एक कैविटी होता है ग्यूलेट, ठीक है, एक कैविटी होता है ग्यूलेट, ये पैरामीशियम है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, कैविटी होगा, जैसे ये कैविटी ले लीजिए, ये क्या है, ग्यूलेट है, ठीक। दे हैव कैविटी ग्यूलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, देख पा रहे हैं ना आप, जिस सेल सरफेस से बाहर को ओपन हुआ है, ठीक है। अब सीलिया जो है, अगर यहाँ कुछ फूड पड़ा है इस तरह से पानी में, तो सीलिया इस पानी में पड़े हुए फूड को ऐसे मूव करवाएंगे, ठीक, और ये फूड जो है ये अल्टीमेटली ग्यूलेट से होता हुआ पैरामीशियम के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया काउज द वॉटर करंट लेडन विद फूड टू बी स्टर्ड इंटू ग्यूलेट, मतलब जो एक साथ कोऑर्डिनेशन में जितनी भी रोज है सीलिया की वो मूवमेंट करेगी, तो वो पानी जिसमें खाना है वो ग्यूलेट की तरफ को आएगा और इस तरह से ये अपना खाना खा लेगा। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल आया बेटा, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का, ठीक है, एग्जाम्पल 100% याद रखने हैं। और लास्ट में हमारे पास आते हैं स्पोरोजोन्स, बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इंफेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। स्पोरोजोन जो होते हैं बच्चे, इनको इनमें इनकी लाइफ साइकिल में आपको स्पोर की जैसी एक स्टेज दिखती है, इसीलिए ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें आपको स्पोर की जैसी इन्फेक्शियस स्टेज देखने को मिलती है उनको स्पोरोजोन कहते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स होंगे, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होगी, उन्हीं को स्पोरोजोन्स कहते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आता है स्पोरोजोन का वो प्लाज्मोडियम है, मलेरियल मलेरिया काउज करता है, प्लाज्मोडियम क्या काउज करता है बेटा, मलेरिया काउज करता है, ठीक है। अ डिजीज विच एज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन पे पड़ा है। तो यहाँ पे हमने प्रोटिस्टा किंगडम को खत्म कर दिया, तालियां बजाओ, ठीक है। क्या क्या पढ़ा, क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड्स, सॉरी यूग्लेनोइड से पहले डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन में क्या क्या पढ़ा, अमीबोइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। अब आपको ये सब अच्छे से पढ़ के लर्न कर लेना है। थैंक यू।